हमारे बिटिया चली जाए अपने ससुर, अपने पापा भी याद करियो बच्चा। अच्छा संधि जी, ये संधन जी अभी तक कराओ, बहुत देर हो जाता है, अब चले दिया। हाँ संधि जी, अब बिटिया के विदाई में तैया मना कहा बिटिया का पकड़ कर रुआ लिया अच्छे खूब। हाँ जी अला तनी हल्लू कह जाए, अब तो हरा बात मानी तो संधि जी, ले जाओ विदा कराओ बिटिया का है उलकाओ। चलो हमारे बच्चे चलो, चलो हमारे बिटिया चलो गाड़ी में बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ गाड़ी में, जाओ हमारे बच्चा अच्छे अच्छे अपने घर द्वारे खुश रहे। तरी हमारे इनका ना भुलाए हमारे बच्चा हो, हमारे इनका याद कैली हो, फनवा फनवा कैली हो, महतरिया जन्म दिया रही कोखिया से याद कैली हो, अपने महतरी ना भुलाए हमारे बच्चा। या संधिन जी हाथ जोड़ी थे यहाँ से, हमारे बिटिया का रुआ तो रुआ कटाई सूख गया है, रास्ता में कुछ गन्नक जूस उस कोल्ड ड्रिंक वेंड्रिंग लेकर कुल पियाए खवाए दियो, तनी हमारे बिटिया का कटाई ना सुखाए पावे, रोज रोज अगर हालत खराब है गया, हाथ जोड़ी थे आपसे कुछ खवाए पियाए दियो, चल जलपान कराए दियो हमारे बिटिया का। अरे संधिन जी का हमें शर्मिंदा कराती हूँ, आज से हमारे पतुआ नहीं हमारे बिटिया हुआ है, आप लोगों से पढ़ के हमें का मानव जाना, परेशान ना हो, चली था अपने रास्ता में कुछ जलपान कराए था, समोसा चाट चाउमीन फुल्की जो निकल माने कही, कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक गन्नक जूस सूट जो कही या ना ही कही, तब वो हम भर देव कार्य में लाए लाए, जब ने का माना कही तो ने खाई, कौन टेंशन वाली बात ना, हमारे पतुआ ना हमारे बिटिया हो, बिटिया ऐसे बिटिया का जाना, बिटिया तरह मानव जाना, कबो भी कौन दुख तकलीफ हुई तो बतायु, हमारे घर में कौन तकलीफ ना हुई जब मिलने। संधिन जी तनी हमारे बिटिया का ध्यान दे दियो, दुलरी फुलरी हमारी अक्का ही बिटिया है संधिन जी। अरे मम्मी जी आप चिंता बिल्कुल ना लिया जाए, कहूँ पूनम हमारे घर द्वार ना देखे, हमारे घर में कोनो व्यवस्था का कमी नहीं है, आखिर अरेंज मैरिज तो हुआ है ना, लव मैरिज हुआ है, पूनम हमारे घर आवत जात रही तब कौन टेंशन बात है, कुल देखे सुना है, हमारे घर में कोनो चीज का कमी ना है, कोनो परेशानी ना हुए देव हम अपने पूनम का है, और कुल चिंता छोड़ो और जल्दी से विदाई कराओ। हाँ संधिन जी तू झूठे चिंता लिया, तू कहीं थोड़ी ना है कि जाना सुने ना ही कि बोले बतवा ना ही कि घर द्वार ना देखे, अरे कुछ पहले देखा सुना है तो कौन चिंता वाली बात है, दूसरे घरे ना ही जाती तार बिटिया, देखा सुना घरे जाती ही, जान पहचान के घरे जाती, तो तीन इंसान से इनके सब बोलत बतवात रही आवाज जात रही, तो कौन टेंशन है, बिल्कुल आप टेंशन ना लियो, निश्चिंत होकर अपन बिटिया पठाओ हमारे घरे, तो आप बिटिया हमारे घरे खुश रही। आप तो संधिन जी हम उपकार कबो नहीं भूलब, हां कौन औकात नहीं रहा, मैं तोरे घर अभी आवा करे का, कौन औकात नहीं रहा गरीब मनई, वो आपका उपकार जाने जाने हमारे ऊपर तरस का, हमारे बिटिया के ऊपर तरस का, हमारे बिटिया का अपन बहू बनाए, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मार सौभाग्य जो हम आपके घरे अपन बिटिया पठाई था, बिटिया का हमारे बिया भाई तोरे घरे, इतने बड़े घर में रिश्ता हमारे बिटिया का कब हो नहीं पावत, संधि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे संधिन जी एक कह के हमारे शर्मिंदा ना करो, हम जानी नायिका पूनम बहनी कैसन बाती शुरू से, हमारे घरे आवाज जात रही स्वभाव हमारे सब देखा जात रहा कि कौन मेयर कही, जब हमें अच्छी लगी बिटिया तो हम शादी के लिए हाँ कही दियन, हमें दान दहेज ना चाहिए, हमें सिर्फ बिटिया चाहिए बिटिया। बहनी जाओ जाओ निके निके अपने घरे दुआरे जाओ बहनी, चलो बैठा करवा में कब सिखवा शिकायत का मौका ना दियो बहनी, काम धंधा निके निक करियो, सबका मान सम्मान इज्जत करियो, सबके उठ जाए कुल काम धंधा कर लिया करियो, क्यों का गोरी उना नंदी नंदा का खास कर, हाँ अपने कुल करियो बच्चा के खुश कौन काम ना कराओ अपने रहता अच्छा, ठीक है हमारे बहनी चलो चलो बैठा करवा में चलो। माता से हमें एक बहुत जरूरी बात कह के रहा, कौन बात बताओ कौन बात कह के रहा हमसे, ब्याह तो हो गए लेकिन अभी हमें ना जाए का अपने ससुरे, अब हम यही रह दे मां, ना जाब अभी हम अपने ससुरे ना जाब मां, वो काहे बहनी ना जाब, आखिर ऐसन कौन बात है आई के जोन कहती हूं ससुरे ना जाब, तार ब्याह शादी हो गया रमिया से, तो जा बहनी अपने घरे द्वारे जा, अपने संसार में अपन संसार बसाओ, जा बच्चे जाओ बैठो करवा में जाओ, किताब कहा तो बच्चा जा बच्चा अपने घरे हम जल्दी आने आई बे, अरे रमेश बाबू ये तो बहुरिया जाग न हुआ ना इलेक्ट्री घरे, अरे पूनम ये तो कहो कहती हूँ, तू तो हमसे प्यार करत रही हो ना, ये तो हमारे लव मैरिज हुआ ना, तब तू इतना घबरात का रही हूँ, ऐसा हम छोटे बारात लेके जाई, अब तलाव मोहल्ला समझ में कहो कही, अरे रमिया समय माफ कह दियो, माफ कह दियो हमें बस छह महीना में छोड़ देना है, अरे अगर बाद में हम लिए जाए हमारा ससुर है हम ना ही तुम्हें रुआ कब, लेकिन अभी हम तेरे साथ ना ही जा सकी था रमिया, ना ही जा सकी था, हमें माफ कह दियो। हाँ हमारी बिटिया ऐसा कौन बात है, हम तो तनी बताओ कि कौन बात है कि काहे नहीं दे जाए सकते अपने ससुरे, हाँ बहनी तो दिमागवा तो नहीं खराब होएगा कि लोग ये थोड़ी की बात की नहीं बात, अरे बच्ची ब्याह शादी होएगा बदलावा जाए अपने घर छिछे दुलहनी नहीं लेके जाए तो का गवा मोहल्ला टलवा ले कहीं है,
हमसे बताओ तू का बात बाट है, तू हमसे प्यार करा थी, मतलब मैरिज करियो, ब्याह करियो, अब जाए से कहे इनकार कर, तू बता पूनम का बात है, हम तो हर बात समझ, तू कहे नहीं हमारे साथ जाती पूनम, हे पूनम बताओ। बच्ची बताओ आखिर का बात है, हमें ना कम से कम अपने मातरिया तो बता दे, और हमारे साथी सपाटी गांव मोहल्ला वाले पूछिए तो हमारे साथ कौन जवाब दे दे कि बिटिया कहा नहीं पठवा गए। अरे बहनी बताओ बताओ दे, निसंकोच होकर बताओ, हमारे साथ कुछ ना कहा जाए, माना जाए तुम्हार बात, लेकिन तो बताओ तो कम से कम हमें ना तो अपने मातरिया तो बता दे। अरे बहनी हमारे से कौन गलती भाई वो तो माफ कर दे, लेकिन कम से कम हमारे इनके सथवा तो चल नहीं, हमारे सबका इज्जत का सवाल है दोनों जने के, तुम्हारे सबके यह अलंग सबका कही, मेरे सबके वह अलंग सबका कही कही है, देखो दुल्हनिया के नाई लेके आए, फिर क्या बात हो गया बहनी बताओ, कोनो चीज का कमी हुआ तो बताओ, हम कोनो गलती किए हुई तो बताओ, हमारा बेटा हुआ कोनो गलती किए हो तो बता दे हमारे बच्चा, लेकिन चल चल हमारे साथ है चल। आखिर ऐसा कौन सा बात है जो तू नहीं बता सका थी। हे पापा जी, हे रमेश जी, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती बात है कि आप लोग हमें समझाओ, और ये इज्जत से बड़ी के बात है, तब हम नहीं जाए तो बाटा आप लोग के बताए भी नहीं सके थे, इसे हमें माफ कर दे, जोन भी गलती क्षमा हुआ। अच्छा महीना बाद आयो, हमें आने अभी कृपा करके लौट जाओ हो रमेश जी। हे पापा जी, जाओ चला जाओ भाई, अच्छा महीना बाद हमसे कुछ सवाल जवाब ना करो, हमें माफ करो, बस माफ करो। हे संधी जी, आप लोगों से माफी चाहिए था, अब तो आप लोग बड़ा छूछा ही जाग परी, अरे माँ जी इतना बात है आप जान लो, जो भी बात हुई तो इधर से बढ़कर हुई, तब हमारी बिटिया ना जाता बाटी अपने ससुरे, न हमारी बिटिया बहुत समझदार ही दमा जी, आप तो जनते है आओ, छह महीना बाद आओ दमा जी लिया, और काव कही कुछ कहा सुनत नहीं बना था। हे पापा जी, अब तो हम बड़ा छूछा ले जा ही परी, अब तो चिंता ना करो, हम पूनम से फोन पे बात कर लेवा, ठीक है, इजाजत दिया जाए संदीप जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे भैया ये काव हमारे से बाहर आते रहन परछाई, ये तू घर काहे चला आए दुल्हनिया के अकेले छोड़ कर। अरे हम अभी दुल्हनिया ना आई, नहीं आई के काम आता लग पाता, ब्याह शादी हो गया तब अपने घर द्वारे ना आई है तो का वही रही है का का भरा में इसका पापा का हो गए। अरे का बताइए अब दुल्हनिया कहाँ कहे मना कह दी से आवे के कहा दी, छह महीना बाद हम जब अपने ससुरे, हम वो बहुत मनावे दनावे के कोशिश करें, घरों परिवार वाले समझाएं, लेकिन वो कहो का सुने का तैयार है ना ही, साथ ही मान सम्मान इज्जत से बढ़ के जौन बात बाटे ही नाते, हम नहीं जाए पाए ससुरे, वही का करी कुछ समझ में ना ही आवा, तो हमने सब बारात वापस लेके चला आवा गए। अरे अयमा पूनम बहुत अच्छी लड़की है, तो कहे हरदम गरीबी और अमीरी पे पहुंच जाते है, आ? का अपने लोग ना ही गरीब रहे एक समय रहा तो कहा ना इज्जत खाते है, गरीब लोग भी गरीब अच्छे हुआ तही, ऐसा कौनो बात ही ना है अम्मा, कौनो बात रहा वही, अब हम फोन बात करी था पूनम से कि तू हमारे साथ ऐसा काहे की हो, हम उनसे जवाब लिए बना तू काहे परेशान हुआ हो, और बाकी अमीरी गरीबी पे ना तुरंत पहुँची जावा करो, बात मानो जिंदगी में जो आज मानी जाओ वही मेरे पे बतिया कर रहे, तो कौन माने वाली बात है, अरे हुई कोनो परेशानी से नहीं आई हुई, वो का बात कही जाये ना, कौन दिक्कत बात है, बात कही के वो सलट जाये, टेंशन ना लियो तू, अपन काम कराओ, वही जा बाप पूत अपने मन का है चाहे जो कराओ, कुछ बनी बिगड़ी तो हमसे ना कहो। हे भैया तू उदास ना हो, अम्मा टेंशन नहीं ना, ही ना टेंशन कुल बात करती है, चलो तू नहा धो ले, हम चाय पानी बना के दे थे पियो। हां बहनी जाओ बना के चाय पानी, कुछ नाश्ता तो दे खा लिए भैया। हे बच्ची हे, आज तीन महीना ले हो गए, न हमसे कुछ बतायो ना अपने मेहर से कुछ बतायो, आखिर का बात रहा, कहे नहीं गयो तू अपने ससुरे, हमसे सब पूछत बाटे, हम कौन जवाब दी बहनी, बताए दियो अब तो बताए दियो, आखिर का बात रहा, कहे नहीं तू बताओ थी, वैसा कौन बात रहा जो बंधन में तू फंसी गयो, अपने ससुरे नहीं जाए के हियरा।
सुनो मालकिन, जैसा 3 महीना बीतेगा तैसा 3 महीना और बीती जाए, पता ना ही चली जानी। अब बिटिया का जब कहा था ही तो अगर बाती का गुआर करो, बिटिया के खुशी में ही हमारे का खुशी है, और चाहे जो चाहे जो उन्होंने कहा है सुन लिया जाए, कहाँ फर्क ना है, बस हमारे बिटिया खुशी में रहा है, हमारे ये जाहिर है। हमारे नाते हमारे महतारी बाप के कहते ना सुने पड़े थे सब के कहते ना बेइज्जती वहा है, हमें इकुल देख के बर्दाश्त ना हुआ था, लेकिन हम काय करी, हम बहुत गारे में फंस गए ही, जहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। अब तो हम 6 महीना रुका ही पड़ी, 3 महीना बीतेगा है, 3 महीना और रह पड़ी, माई बापू हमें माफ ही कही दिया, तोरे सब के हमें तो ना खेस पहुँचाई था, ऐसा बिटिया भगवान कहो का ना दिया कहो का। छोड़ो पूनम कमाई लाओ लाओ दियो निकालो खाना हमारे सब खावा जाए। हेलो, हाँ ना मीर जी बोलिए, कैसे हो? हम ठीक है, आपन बताओ तू कैसे हो? हम ठीक है, और बताओ मम्मी अम्मी पापा सब जाने ठीक है? हाँ सब ठीक है, 3 महीना बीत गए, इनाय बतायो पूनम की क्या बात, आखिर काहे ना आई आयु, क्यों घरे ऐसा हुआ था की बिया शादी हो जाओ 6 महीना रख दो तो लही निकाय 6 महीना आई बेना करे, कहाँ करी थी रिवाज निकाल दी पूनम, आखिर का बात रहा बतियो ना, बतायो आज 3 महीना बीती गए, कहा तो पापा से बात करी आज के आज चला आई गाँव लेके चल चली तू है। ए रमेश जी काहे नहीं समझा था, 3 महीना तो बीत गया है, 3 महीना और बाकी है, 3 महीना बीत जाएगा, करबन में धूमधाम से आए हमें लिए, हम चल चल अब तुम्हारे साथ है, परेशान ना हो ना, अपना परेशान हो ना हमें परेशान करो, बार बार ये बात पूछ के, जब हम मजबूर है रमेश जी तो हम कैसे तुम्हें बता दे, हमें समझाओ रमेश जी हमें समझाओ, हम बार बार ये बात कही था। अच्छा ठीक है, तो हाँ नहीं मन है बतावे का तो ना बताओ, कोनो बात ही नहीं है। ठीक है रमिया जी, ठीक है, रखी था ना अम्मा खाना पर वैसे ही, तो खाई ली खाना तब फिर बादी में लगाई, ठीक है? हाँ ठीक है, रखो निकालो हो पूनम का, अम्मा निकालो खाना, दो कवर खाई ले तब ही लगी जाई। हाँ निकाली था जी, अभी थरिया वाला लगाई था, जा बहनी अपने रमिया भैया से पूछ लिया, उनका खाई का पानी 3 महीना से छूटा है, और जान खा तो बनाए डाल रहा हूँ, हाँ उन्हें पसंद आए चाहिए, चाहे सबके पसंद आए चाहे ना, हमारे तो नहीं को बेकार खाई है, हमारे बेटा वो खाए के चाहिए। अरे अम्मा का बताई ले जाए तो खाई का ऐसा वापस कराई दिया थी, ना ही खाते हैं कहूँ खाते हैं कहूँ ना ही खाते हैं, जी भर खाता है इनका बताई, कहाँ का होगा मेरे भैया का भौजी ना आई, उनका उनका ख्याल में हरदम डूबा रहा था, इनको खाई का पानी को छोड़ दिए हैं, ऐ ना ही का। अरे कौन बात नहीं, अरे झिंकी जा जा बनाए डालते, कहूँ छोड़ दे तो का खाई है पी है ना, उनसे नीक अच्छी लड़की मिली, कोनो बात ही नहीं बाटा है, सुंदर लड़की बढ़िया रही से खरे ब्याह करब अपने हम बेटा वाका है, ये का बात करत है अम्मा, एक काऊ कहा था जो भैया का ब्याह हुआ ही रहा भाभी के साथ है, तो ऐसा बात काहे कहा थे, अरे बहनी कहीं ना तो कहा और कहीं, जब वो बता काटी आवे हरते ना ही तो कहाँ से जबरदस्ती ले आ लेबू का, अब 6 महीना कही सी कहो ब्याह साल भर का है, कहो पर से 2 साल का है, कहो ना सो 3 साल का है, कैसे करे अगवरी में हम रुका रहा अपने बेटे की जिंदगी पर बात कह दी, अब क्या जाना कहो का पटाए बताए ना वो कहूँ लंदन डना फंसा रही हूँ, हाँ सचा तो है कि अब हम एक साथ नहीं जाब धुआ खा दे दो हमारे बेटे हुआ का है झूठा झूठा ब्याह कही है, हाँ बहनी अम्मा लागत बात है बच्चा लानी अम्मा लागत है कर चरित्र ही नहीं, इसे ना ही आवत कौन बात है बहनी कौन बात है। अरे अम्मा ये तो कहो अम्मा जो कहा थे अम्मा कुछ साफ साफ सुनाई पड़ा था अम्मा, रे कुल कहे लेकिन हमारे पुनमित बारे में कुछ कहे ना तो तू खैर नहीं महतारी समझ के सिर्फ छोड़ दी था, दूसर क्या हुआ ना तुहरे जगह तो छोड़ते ना ही, हाँ हमारे पूनम ऐसा ना ही, हमारे पूनम बहुत ही अच्छी संस्कारिक लड़की ही, हम ऐसा तैसा से ब्याह ना कह लिया, बहुत ही अच्छी ही बहुत ही अच्छी अम्मा बहुत ही अच्छी ही, भाई वरना समझ ही ना ही पाए, जब आ जाइए घर में तब समझ पाईबू, ऐसे ना ही हम वो नहीं समझ पावत रहे, बाद में हम समझे रहे कि यहाँ कितनी नीक लड़की ही, कौनों बातें हुआ अम्मा वही मारे ना ही आई ही, नहीं तो कब्बे ना आ गई होती हमारे साथ ही, हमारे कति में जान दे कर तैयार रही, हमारे घरे के आवे का कौन बात है, वह धोखेबाज लड़की ना ही अम्मा, छुटकारा मिल जाये अपन करी धरी हमारे पुनमिया को लिए काम धाम, जब हमारे कुछ मन वन तो नहीं करत है लेकिन जब जो तुम मना कहा तुम बनाए डालो खा ले आज, सही भैया ठीक है भैया जाए तो तुरंत बना के लेके आए थे, इतना दिन बाद तो हमारे भैया बोली नहीं कि आ जाओ बना लाओ आज खावे, हाँ 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 जा।
हमारे चाल पे तो पानी फिर नहीं सकते हैं। जब तो आएगी ना भतार का हमारे द्वारे पे तो हम ही का जाना है। बहुत बढ़िया चाल चले हैं। आई आए नहीं देव हम अपने द्वारे के और नहीं अपने बेटा की जिंदगी में आवे देव। सुनो इस लड़का हमारे ठग ली हिंदी तरी तरी मिया प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाए का है। अरे पूनम का अम्मा काव करा थियो। यह कलवक माई चौबा चांगन में लाग बाटे ना और काव करा। काव है बिटिया को पठायो कि अब यही रखबो जिंदगी आभार। अरे बहनी बिटिया वा काहे नहीं जाई। 6 महीना बाद भेजे के कहत रहन। अब दो चार वा जाऊर बाकी है अपन जाई काहे नहीं बिटिया वा। अम्मा तो नहीं लागत छुच्छे तुल्हा चला गए दुल्हनिया लई नहीं गए। अब देखो 6 महीना बाद भेजबो कि साल भर बाद भेजबो कि भेजबे नहीं करबो कौन पता है दादा। तोहार तोहार बिटिया है मनवर तब अब हाथे तर पे नहीं रह गई तो के दोनों भाई कहो भाग बिराड़े जाए पकड़ में ना आवे तो कहाँ से भेज पाई बुझे बिटिया में ना रही तब। लेकिन जबान सीधा निकालो मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहियो ना बस बताई दे था। अरे सच बात तो सबके करवा लागत है। ए पूनम का अम्मा हम तो मजाक करत रहे हैं। हां तो सुन लियो कान खोल के हमार बिटिया बस तू ये 4 रोज बाकी है 6 महीना पूरा हुए में हमार बिटिया कोनो बात रहा ई ना ते नहीं गई रही। लेकिन अब हमार बिटिया 4-5 दिन बाद जात बाटी अपने घरे बस बताई दई था। ज्यादा बोलाव ना। हां नहीं तो हमसे पूरा के होई नहीं चली जाब यहां से। ये तो जाब काहे नहीं कल्लू का माई ऐसा काहे करा तो थारे घर थोड़ी ना हन पास ना पास है। हां नहीं काहे मेरे सब इज्जतदार घर के मने ही हुई। हां कोनो हमार बहन बिटिया नहीं बैठी बाती कि बारात चला जाए बिटिया जाबे ना कराए। बस 3-4 रोज का और बात बात है। 3-4 रोज और बचा है फिर हम चली जाब रमेश जी के पास। लो हाली हाली बेलौजिया लौजिया कुल सी ले कुल जन धरे उठाओ के कुल धाई उठाई ले। बस 4-5 रोज और बाकी है 6 महीना पूरा हुए में। हां मम्मी जी नमस्ते और सब ठीक है। अरे बहनी काओ बताई कुछ नहीं ठीक है तो से का छुपाई तुमरे घर के पटुआ हो। का भ मम्मी जी कोनो बात होई गे का। अरे बहनी बहुत बड़ी बात होई गे बातें भर नहीं भा जान था घर में सस्तरे जी के लगा जोन कहीं ना 6 महीना अभी पता है कहां लेके आए। और फिर गए फिर कहा था 3 महीना ना लाए ना उनके पति पे बहुत बड़ा खतरा है बहुत बड़ा ग्रह दुआ से बात बहनी जैसे आई है तैसे तुम्हारे पति गुजर जाई है। हां अपन सुहाग बचावे चाहती हूं कि यहां आवे चाहती हूं जल्दी से जल्द बताओ देर सबेर आई तब कम से कम तुम्हारा मरता तो जिंदा रही या दुनिया में जी जागी। तो बहनी तुम्हारे ऊपर बात है हमारे बेटवा का जिंदगी तुम्हारे ऊपर है तुम्हारे हाथ में है हमारे बेटवा का जिंदगी बचा है लियो हमारा बच्चा बचा लियो हम अपने बेटवा बिना नहीं जी पाई। अब अपने बेटवा का हम बताइबो करी ना तो विश्वास नहीं करी। हाँ बहुत ऐसी चीज बताई के देखे हैं इकुल आबा बाबा पे विश्वास नहीं करा थे नाते बहनी तरह से हम बताए थे कि तू हमारे फीलिंग समझबो और हमारे भाई बेटवा का ना बताई ना मैं बेटवा हमारे हमसे झगड़ा लड़ाई करी तो हम नहीं चाहते कि मेरे घर में बवाल हुआ तो तू है ना तो ही मरते कह कसम तू अगर बताई दी क्या उसे। हाँ तो ठीक नहीं खाई। अरे मम्मी जी कैसे तो 6 महीना करके बिताए रहे ना तो 3 महीना और कहा थी ये कैसे मुमकिन है। आओ कही रमी जी से कहो कहीं यहाँ पे कुछ बात करो ना हुआ है। अरे बहनी हम एक बतवा करा तो से काहे कहते अपने ना कह दे लिए थे लेकिन विश्वास नहीं करी वैसा है ये ना ही बात है तुम्हारे ऊपर विश्वास करे ना अगर महतारी सोचत हो तो हमारे बटवा से ना ही कहो। अब 3 महीना बहनी भी ना ही आवे की बात है तू है। हाँ बताई देख है ठीक है रखी था हम बहुत जरूरी काम बात है ठीक है मम्मी नमस्ते। अरे बहनी अब काहे आंसू गिराओ थे अब तो खुशी का मौका है ना अब तो 2-4 रोज बचा बात है 6 महीना पूरा हुए में सिलाई उलाई कर लियो कुल धाई उठाई लियो अपन जाओ अपने ससुर निके निके रहियो बहनी खुशहाल से जिंदगी अपन बिताई। अब का दिक्कत है बहनी काहे रुआवत थे। नहीं मम्मी कोनो बात नहीं है लागत बा हमें इनके महिया रुआवत है ना हमरो मुँह लागी तुअर लेकिन अब का करे बिटिया तो पराई धन होते हैं दूसरे घरे जा ही पड़ा था बच्चा ना रुआ हमारा बच्चा है मम्मी। अब भाई हम ना जागवा था 3 महीना और की काव कहत हो बहनी। अब भाई 6 महीना कहे तो बात मान लिए ना 3 महीना कहत हो हमें सब गव मालूम मुंह दिखाई कि ना दिखाई तोरे नाते बता दियो के घर के बिटिया ऐसन हुई है अपने मन के कि 6 महीना ना जा 3 महीना ना जा बियाह ना जा महीना जा बियाह शादी कर लियो प्यार मोहब्बत करे रहियो लड़का पसंद कर लीस तू है अब बियाह कर लीस बियाह रचा दी तो तू अब जाबे नहीं करबू आखिर का बात है बताओ तो सही। लागत बात है मम्मी के बताओ पर ये तो ना छुपाई मिली है मम्मी हम तुमसे बता ही गए थे लेकिन तू ना कहू से कहू ना मम्मी हाथ जड़ी तो तुमसे हमार कर्म में अभागा रहा मम्मी मन किस्मत ये खराब रहा जब ना नक्षत्र में हम ब्याह करें वो कारे बच्ची। अरे मम्मी हमारे रमिया जी के ऊपर बहुत बड़ा दुआ सगरा बात है। हाँ अगर हम चली जाबे ना अपने घर कदम धाई देब अपने ससुरारी में ना तो उनका प्राण निकल जाए हम तो कहा तो डर लागत था जब हमारे सामना हो जाए तो हम वही मरी जाब। हे माँ तो हमें समझ
और शास्त्री मन के घर परिवारी शास्त्री हुआ नहीं कही नहीं की अभी पता ही के 6 महीना ना लायो तही ना ते हम ना तो सबसे बतावत रहे ई ना ते हम गई बो नहीं करन कसम में हमें बांध दी है इनका मम्मी तो आज फिर फोन लगा रही कातरे 3 महीना बना आयो भी घर हवन के ऊपर खत्म ना ही भा है तब मैं ते बताओ हम का करी हम फंस गए हैं बीच धार में हम यहाँ जाए कि बाहर जाए कुछ समझ में ना आया था बरामी जी से कहा तो छरम छर गई चाहिए है चुप रहे अम्मा कुछ बोले ना रमी ठीक है फोन आवा था हाँ रमी जी बोला आओ हाल चाल ठीक है अरे अब ना ठीक रहा है तब कब ना जानो ठीक रही अब 4-5 रोज बचा बाटा है तब अब तक खुशी हमारे ठिकाना ना आई है का करे थी डारली ये बलाव जलाव सियत रहे अच्छा आवे की व्यवस्था में लागे वहाँ बहुत अच्छी बात है चलो कम से कम खुद खुद ब खुद व्यवस्था बना ली हूँ ठीक है बाटा अब 4-5 रोज बाद आई तुम्हें आना है हम बहुत खुश है हो पूनम बहुत खुश है तैसे क्या बताए अपन खुशी हम जाहिर नहीं कर पाई थे अब जब हम आए तुम्हारी दुआरी में तब हमारी खुशी देखी तू अपने दुआरी पे रमेश जी एक बात रहा बात हमें कुछ बनाई सुने खाई एकदम सुन चुके रहे अब हम बिल्कुल नहीं सुना तो हर बात जो बात कहे कोई सुने कोई तो हमारे घरे आए की कहीं सुने नहीं सुन लिया नहीं बहुत अनर्थ हो जाए वो काम अनर्थ हो जाए अच्छा ठीक है ऐसा बात है तो बताई दियो कहता है अभी ना आओ रमेश जी आयो 3 महीना बाद हमें आना है तार दिमाग घुमाता ना खराब होएगा है ये काव खाते हूँ 6 महीना से अगवरत 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 हम भूसी चबाई लिया हैं और फिर तो कहते 3 महीना वा रुक जाए हमारा मम्मी सही कहत रही लागत तो बा कौन लावंडा से फंसी हूँ हाँ वही तो आसकीपन करा थी ना थे अब नहीं चाहती हूँ मैं धोखा देती हूँ ना धोखा देती हूँ और कौन बात नहीं है ठीक है ना ही आवे चाहती हूँ ना ही सही ना ही हमसे प्यार मोहब्बत करती हूँ ना ही सही कौन बात नहीं हमें झूठे तुम्हारे प्यार में मरा जाते रहना 6 महीना से खाना पानी कुल छोड़े रहन मार मातारी एकदम सही कहत रही एकदम सही मार मातारी कहत रही हाँ ठीक है ना कौन बात नहीं हम बिहान कागज तलाक का पेपर हम भेजा भेजा देते हैं तुम्हारे घरे अपन साइन वाइन करके पठाई दी हूँ बस बताई दी थे हम अब तो रखम नहीं और मैं तुम्हारे घर आई और हम तुम्हारे जाब लावे रखो फोन रखो मैं तो फोन मत तुम्हें रखे रखो गुड बाय परेशानी है तुम्हें तू तो कसल्ला जी का पतवा हो ना का बात है आई के आखिर काहे माता रानी दरबार में आकर रुआ बथियो अरे बाबा तू हमें जाना था और क्या बहनी तू हम काहे नहीं जाना तो हम पत्रा देखे हैं तोहर कुंडली निकाले हैं कुल चीज हम ही देखे सुने हम उनके घर के शास्त्री हुई तो हम काहे नहीं तुम्हें जाना पत्थर शास्त्री जी बता दिया वापस हमें कब हमारा दुख खत्म हुई कब हमारे मरते के ऊपर देश खत्म हुई और कितना दिन तक हम अपने घर नहीं जाए परी शास्त्री जी हमें बता दियो आखिर हम कब तक छियली हमार मर्द हमें तलाक दिए के ऊपर आ गया है अब हम का करी आप ही बताओ शास्त्री जी कोनो उपाय बताओ
बात है बच्ची, हम तो कुछ नहीं कहे हन। ठीक आओ तोहर कुंडली हम देखन, तोहर हम पतरा देखन, सब कुछ देखन, सब सही रहा, 36 का 36 गुण मिलत रहा, कोनो दोष वोष ना है रमेशो में, कोनो दोष वोष ना है कुंडली में। तो ये का कहत है तू शास्त्री जी? आप नहीं कहो कि मेरी कुंडली में दोष बात है? हम 6 महीना एक दाई दूर रह अपने मर्द से, फिर 3 महीना फिर कहीं ही कि दूर रह जाओ। आप तो कहे हो मम्मी से, तब हमसे कहेंगी? अरे बच्ची हम कुछ नहीं कहे हैं तुहरे सासू अम्मा से, बल्कि कहे हैं बहुत सौभाग्य वाली बिटिया पावत है तुहरे सब, बहुत अच्छी संस्कारी गुण वाली बिटिया है वो, और 36 का 36 गुण बैठा था बिटिया का, बहुत नीक पतुआ पावत है। और हम कहो कहा हम कुछ नहीं कहे, और बाकी तुहर कोनो कुंडली में दोष वोष ना है बच्ची। हमारा रिश्ता टूट जाए चली, लेकिन हम तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़े दिए। चलो हम चली था, तुम्हारे सासू माँ जो भी करी बहुत गलत करी नहीं, और उन्हें किए के पछतावा जरूर हुई, उनके इस सजा मिले जरूर चाहिए। चलो बच्ची हम कही देवा तुम्हारा रिश्ता नहीं हम तोड़े दिए, चलो हमारा नाव लगा के रिश्ता तोड़वावा थी, तो इतना बड़ा हमें पाप और कहाँ मिली। चलो बच्ची हम पाप का भागीदार नहीं बना, चलो तुम्हारे ससुराल हम सच के सच पूरा सच्चाई बताई दे तुम्हारे मर्दे से और सब पूरा फैमिली से कि तुम्हार बूढ़ा कितना तुम्हारे साथ चाल चली है। चलो बच्ची बहुत धन्यवाद, जो एक मसीहा भेज दी हमारी जिंदगी बचावे कती, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका ही हम उपकार का बनाए जिंदगी भूला, आपके हम जिंदगी भर सेवा करम माता जी, सेवा करम समधीन या समधी। दामाद बाबू अरे कहाँ है तारे साहब, मेहरबानी कराओ। अरे समधी समधीन जी, अरे नमस्ते ताला की, अरे थोड़े से बिना बताए चला आयो, पता योग लेके आए हो, आओ बैठो बैठो, कुछ बात होगी का? बातें नहीं भा समधी जी, बहुत बड़ी बात होगा है वो का हम समझ नहीं पाई थे, पहले हाथ जोड़ी था आपसे कि समथिंग का भला दिया जाए, यही जो बात हुआ तो नहीं बात हो जाए। रमेश के अम्मा, ये रमेश के अम्मा तेरी बाहर ना होता है, जरूरी काम है। अरे पूनम कहा कैसे आई पर कहा तो ना ही आई, तब आज दादा माई के साथ आवे का मन कर रहा कहा जो लेके चली आयु कहा करे का आई गयु जब ना आओ करे घर तब कहा पूनम को बात है कहा बात बहुत बड़ी है दामाद जी, यही नाते यहाँ दुआरी पे बात कर रहे, बतावे जो समझी जी का बात है आखिर, इतना दिन से हमारे बिटिया नहीं आवत रही अपने ससुरों का है, जवाब नहीं क्यों कर दिया रही काहे, काहे कि वो वचन में बढ़ी रही और कुल वचन तुम्हारे घर से बानी जात रहा हमें बिटिया के ऊपर। हमारे घर से? हाँ समझी जी तुम्हारे घर से, तुम्हारे जो मेहरारू बाटी हमारे बिटिया के ऐसा वचन में बने रही ना, ना केहू से कह पात रही ना सुन पात रही, अंदर गुटे गुट लिए रात रही, लेकिन आज दिल खोल कर हमने अपने मातारी से बताई सी, जान तहार महरारू ही वह हमारे बिटिया के वचन में बांधे रही, ये तो वैसे ही कह रही कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दोष है शास्त्री जी कही नहीं, तो अबू जैसे तैसे हमारे बेटावा मरी जाए, तब बताओ कौन बिटिया अपने मर्द कह मारी, यही कुल के नाते वो नहीं आवत रही, 6 महीना एक ना आई और ऊपर से जब 6 महीना पूरी आएगा तब फिर ये फोन लगाए कहीं कि ना आयु बहिनी 3 महीना और बोली सी शास्त्री जी की, अब वही ना ही आओ बाटे तिहाँ ये नहीं रोका थी कि ये ना है अनके कुछ चाल बाटे समझी जी, जोन हमारे सब समझ नहीं पावे जात है, कुल तोरे घर से रोक जात हमारे बिटिया का ना आवे कर, और तोरे सब हमारे बिटिया का दोष धरा था कि हमारे बिटिया में कुछ गड़बड़ी बात, हमारे बिटिया के होकर रख रखा है हमारे बिटिया ही मेरा ना ही समझी जी, आप जाना था आज से नहीं जाना था हमारे बिटिया का, बड़े दिन से जाना था, ऐसे उन्हें करे चाहिए आप बताओ। अरे 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 हमारा सबक हमारी बिल्कुल बात सच है का? झूठ बोला थी इनका सब, हम कब कब आए कर हन इकुल अपने तो ही आसे हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि ये झूठ बोला था कि फूर बोला था, हम जानी करे मैं इसके पापा के चाहे विश्वास करे चाहे ना करे तू जरूर करबो हमारे ऊपर। हां तू बड़ी विश्वास लायक ना आई हूं, तू ही हमारे पतुआ का पसंद ना करत रही, नाते आकर हुआ कर आई अपने कसम के वचन में पान के मार पता है ना आवे या करे, हम दूसरा अपने बेटवा के धूमधाम से शादी करी कौटा जी करे, हमें कुल तोहर साड़ी अंतर पता है, अब हमें पता चला कि मार पता है कहे ना आईस, हम छुच्छे शादी कहते आए ना ऐसे भाग्यान बराते लाइक है हमारे पतुआ ना आईस, मान सम्मान का तुहरे कदर करीस, लेकिन तू अपने पतुआ का नहीं कदर करी, तुहार कुल बात करवा रखीस के उस कुछ कहीस ना आई, बताओ ले हाल आज बहुत अतहा जाएगा अपनी महतारी से बोली सी, नहीं बोलती ना आई या हमार पूनम हम तुम्हें गलत समझन, ऐसा महाकाली भगवान ने कहो के ना दिया साथ दुश्मन है जैसा हमारे रमेश के मिल गई, हाँ
जो नकर खुशी नहीं देख सजाती है, पहले बैठा के खुशी नहीं देख सजाती तब दूसरे का खुशी देख सजेंगे। अरे रुपये के ना लोभी रहो, परिवार के लोभी रहो, रुपये नहीं धरा रही, परिवार धरा रह जाए रम यश कमाई। अब इस समय बात है सुधरी जाओ, मैं कहूँ कि नहीं रही जाबू ना घर के ना घाटे का है। ध्यान के हमारे बेटे हुआ तलकवा दे दिया हुआ थी कुल ना जानकारी भाई हुआ तो तुम आते हमारे बेटे जिंदगी खराब कर देती उन्हें कहूँ खोए पावत ना हमारे पता कहूँ खोए पाती दूना घुटघुटी जिंदगी जीती फिर तुहरे नाते हर रमेश कमाई। अरे ये कुल कहा से पहले चुल्लू पर पानी में कहा ने ढस डूबी गई तू। हाँ हमारे बेटे हुआ रिश्ता खत्म करे चाहता रहा ना पता से हमारे सुन लिया उन्होंने रिश्ता बरकरार रही बरकरार रही हमारे बच्चे रिश्ता कम ना रही लेकिन हम तो ऐसे रिश्ता खत्म करी थे यही उम्र पे चली जाओ हमारी जिंदगी से यही लागन चली जाओ पास अपन सकल अमर खाई हूँ मैं बताई देता है निकल जाओ मेरे घर से है। हे रमेश का पापा हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ऐसा ना करो ना निकालो हमें अपनी जिंदगी से अपने घर से ना निकालो माफ कर दे हमें रमेश का पापा आप कहाँ जाओ अपने लड़के बच्चे को छोड़ के माफ कर दियो हमें माफ कर दियो। माफी हमसे नहीं माफी मेरे पतुआ से मांगो माफी मेरे बेटवा से मांगो अगर वो मेरे दोनों माफ कर दिन तो हम माफ कर तो हम माफ ना कर जान ली हो तू चुरका है तसे गलती नहीं बा है तसे गुनाह बा है अभी तक मातारी सोच के ना हम हर चीज माफ कर रहे हैं लेकिन अभी अब हम तुम्हें माफ नहीं करम चली जाओ हमारे नजर के सामने से जहाँ जाए मन हुआ तहाँ जाओ हम तुम्हारे पीछे नहीं जाओ कहे कि जब अपने बेटा के बारे में नहीं सोचिस तो दुनिया के बारे में नहीं सोचिस जब तू अपने खून का नहीं भाई तो तू क्या कर हुआ बू बताओ मातारी क्या कर हुआ बू अब तो तुम्हें मातारी कहा घिन लगा था माँ के नाम से घृणा होगा चली जाओ हमारे नजर से चली जाओ जिंदगी खराब हो जाता है तो हमें माफ कर दो वैसे हम माफी मांगी था आप लोगों से। हे पापा मम्मी हम का माफ कर दिया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम सोचे बेचारे चाहे की हमारे पूनम ऐसा ना ही हम तलाक तक बात पहुँचा दिया हम माफ कर दो आप लोग से कोटी कोटी माफी मांगी था। हे भैया कौन बात ना है गलत फहमी में ना इंसान कौन भी कदम उठा लिया था जाए दो कौन बात ना है कम से कम अब तुम्हारे सबका रिश्ता बरकरार होगा यही में हमारे इनका खुशी है। चलो पूनम का अम्मा चला जाए अब यह समझी जी हमारे पतु हमारे दुआरी तक आएगी अब वो कहना ले जाओ मेरे घर का लक्ष्मी का है अब छोड़ जाओ हमारे पतु का है यह समझी हमसे इस सुख ना छीनो कि हम अपने बिटिया का अपने दुआरी से विदा करा इस सुख हमसे ना छीनो आप लोग ध्यान आओ धूमधाम से हम अपने बिटिया का जरूर विदा करो लेकिन अभी हम अपने बिटिया के अपने साथ लेके जाओ इस चीज के लिए हमें माफ करो ठीक बटे समझी जैसे आपकी इच्छा पूनम यहाँ आई था हम तू है ठीक है रमेश जी हम तुम्हारे इंतजार करब ये चाल तो फेल होएगा आपकी तो लागत है कुछ जबरदस्त चाल चले परी।